हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई एक्सप्लेन द एक्सरसाइज इन वर्कबुक, सो प्लीज एवरीवन लिसन एंड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर वन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दिस गिवन बिलो इच क्वेश्चंस एंड राइट द इंडेक्स लेटर अल्फाबेट इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट इच क्वेश्चन। यहाँ पर आपको उचित आंसर बॉक्स में फिल करना है, पर फर्स्ट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है प्रॉपर आंसर। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज वेरी लार्ज ईयर्स। यहाँ पर कौन सा ऐसा एनिमल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज वेरी लार्ज ईयर्स। यहाँ नीचे जो जो एनिमल्स के नाम दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा एनिमल्स है जिसके ईयर्स बड़ी साइज के हैं, हैज वेरी लार्ज ईयर्स। ऑप्शन ए डियर, ऑप्शन बी एलिफेंट, ऑप्शन सी रैबिट एंड ऑप्शन डी बफेलो। विच एनिमल हैज वेरी लार्ज ईयर्स, तो ऑप्शन बी आपका उचित आंसर है, एलिफेंट बी आएगा इसमें। पॉइंट नंबर टू, The ears of which of the following animals are not seen? The ears of which of the following animals are not seen? यहाँ नीचे जो जो animals के नाम दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा animals है जिसके ears आपको दिखाई नहीं देते हैं? Option A cow, option B goat, option C crow and option D sheep। तो mostly कई ऐसे animals है जिसके ईयर्स आप देख सकते हैं, जिससे कि काउस दिखाई देते हैं, गोट दिखाई देते हैं, पर क्रो तो उसके ईयर्स तो होते हैं पर होल के रूप में होते हैं, इसीलिए उसके ईयर्स दिखाई देते नहीं है। तो आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी क्रो। पॉइंट नंबर थ्री, द ईयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ऑन इट्स हेड। नीचे दिए गए कौन सा ऐसा एनिमल्स है जिसके ईयर्स उसके हेड पर होते हैं? ऑप्शन ए काउ, ऑप्शन बी गोट, ऑप्शन सी एलिफेंट एंड ऑप्शन डी डियर। विच एनिमल डू सिलेक्ट योर प्रॉपर आंसर इन दिस गिवन ऑप्शन। तो ऑप्शन ए में काउ, ऑप्शन बी गोट, ऑप्शन सी एलिफेंट एंड ऑप्शन डी डियर। तो विच एनिमल आप कौन सा ऐसा एनिमल सिलेक्ट करोगे जिसके ईयर्स हेड पर दिखाई देते हैं? तो आपको आपका प्रॉपर आंसर आएगा ऑप्शन डी डियर, क्योंकि काऊ के भी हेड के आउटर साइड में आपको दिखाई देते हैं, गोट के भी ऐसे ही होते हैं, एलिफेंट्स के भी, पर डियर एक ऐसा एनिमल है जिसके ईयर्स कैसे कहाँ पर दिखाई देते हैं, उसके हेड पर दिखाई देते हैं। पॉइंट नंबर फोर, विच एनिमल गिव्स बर्थ टू बेबीज। कौन सा ऐसा एनिमल है जो बच्चे को जन्म देता है? ऑप्शन ए पिकॉक, ऑप्शन बी रैबिट, ऑप्शन सी पाइथन एंड ऑप्शन डी क्रोकोडाइल। इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो बच्चे को जन्म देता है? पिकॉक तो वो लेयर्स आता है, रैबिट्स आएगा। आपका प्रॉपर आंसर कौन सा आएगा? रैबिट। तो ऑप्शन बी आएगा। फिर पॉइंट नंबर फाइव, पॉइंट नंबर फाइव में देखो आप, विच एनिमल लेज एग्स। नीचे दिए गए कौन सा ऐसा एनिमल है जो एग्स देता है, जैसे कि ऑप्शन ए स्पैरो, ऑप्शन बी डॉग, ऑप्शन सी माउस एंड ऑप्शन डी स्क्विरल। विच इज योर राइट आंसर? तो ऑप्शन ए आएगा स्पैरो, स्पैरो हैज ले, स्पैरो हैज ले एग्स। अच्छा चलो सिक्स नंबर में, विच इज अवर नेशनल एनिमल, हमारा राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? विच इज अवर नेशनल एनिमल। ऑप्शन ए लायन, ऑप्शन बी लेपर्ड, ऑप्शन सी टाइगर एंड ऑप्शन डी एलिफेंट। विच इज योर राइट आंसर? विच इज अवर नेशनल एनिमल, द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। तो ऑप्शन सी आएगा इसमें। फिर पॉइंट नंबर सेवन, विच एनिमल हैज हेयर्स, विच एनिमल हैज हेयर ऑन इट्स बॉडी। कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके बॉडी पर हेयर होते हैं? हेयर वाला एनिमल आपको फाइंड आउट करना है। तो विच एनिमल हैज हेयर ऑन इट्स बॉडी? पिकॉक, ऑप्शन ए पिकॉक, ऑप्शन बी स्वान, ऑप्शन सी डक एंड ऑप्शन डी माउस। तो विच इज योर राइट आंसर? ऑप्शन डी माउस, उसके हेयर होते हैं। फिर एट नंबर में देखो, विच एनिमल हैज फेदर्स ऑन इट्स बॉडी। कौन सा ऐसा एनिमल्स है जिसके बॉडी पर फेदर्स दिखाई देते हैं? तो मोस्टली ऑल टाइप ऑफ द बर्ड्स हैव फेदर्स ऑन इट्स बॉडी, यू नो डैट वेरी वेल।
The option is pigeon, option B rabbit, option C squirrel, and option D snake. Which is your right answer? तो option A pigeon. क्या आएगा? Option A में pigeon आएगा. I mean proper answer आपका option A आएगा, pigeon. Next question number 2. Fill in the blanks in each sentence with an appropriate word. यहाँ पर आपको fill in the blanks बनने की है और इसमें proper answer आपको खुद find करना है. Point number 1. Animal whose ears can be seen give birth to blanks. जिन animals के ears दिखाई देते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं, आई मीन एनिमल्स ईयर्स कैन बी सीन, ऐसे एनिमल्स जिसके ईयर्स दिखाई देते हैं, गिव बर्थ टू द बेबीज, राइट. जो ऐसे एनिमल्स दिखाई देते हैं आपको, मोस्टली आप सभी देखते हो कि एनिमल्स के ईयर्स दिखाई देते हैं, तो जिस एनिमल्स के ईयर्स दिखाई देते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं. तो आपका आंसर आएगा एनिमल्स ईयर्स कैन बी सीन गिव बर्थ टू बेबीज. पॉइंट नंबर 2, BABIES, बेबीज यानी कि बेबीज. पॉइंट नंबर 2, एनिमल्स ईयर्स कैन नॉट बी सीन, ऐसे एनिमल्स जिसके ईयर्स दिखाई नहीं देते हैं, तो वो क्या होगा? एनिमल्स ईयर्स कैन बी सीन लेक्स, EGGS, एक्स यानी कि अंडे. पॉइंट नंबर 3, द एनिमल दैट हैज लीफ शेप्ड ईयर्स इज द ब्लैंक्स. कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके ईयर्स लीफ शेप के साइज के होते हैं? तो रैबिट, REBIT. ऑप्शन नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ब्लैंक्स इज अवर नेशनल बर्ड. व्हिच इज अवर नेशनल बर्ड? पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड. नंबर 5, वी कैन हियर विथ अवर ईयर्स. हम हमारे कानों के जरिए सुन पाते हैं, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? ईयर्स. वी कैन हियर विथ अवर ईयर्स, EARS. 6 नंबर, एनिमल्स ईयर्स कैन बी सीन हैव ब्लैंक्स ऑन देयर बॉडीज. ऐसे एनिमल्स जिसके ईयर्स दिखाई देते हैं, तो ऐसे एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स पर हेयर देखने को मिलते हैं आपको. तो आंसर आएगा हेयर, HAIR. क्या आएगा आंसर? HAIR. फिर 7 नंबर में, ऑफ द 3 जिराफ, डियर एंड गोट, द ईयर्स ऑफ ब्लैंक्स आर ऑन बोथ साइड ऑफ हिज हेड. ऑफ द 3 जिराफ, डियर एंड गोट, द ईयर्स ऑफ ब्लैंक्स आर ऑन बोथ साइड ऑफ हिज हेड. तो गोट आएगा इसमें. Of the 3 giraffe, deer and goat, the ears of blanks are on both sides of its head. तीन यहाँ पर आप देखते हैं, of the three giraffe, deer and goat. 3 giraffe है, deer है और goat है. उनमें से कौन सा ऐसा एनिमल्स है जिसके ears आपको हेड पर दिखाई देते हैं? तो goat, GOAT, goat आएगा इसमें. फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 3. Right, true or false? Point number 1. A snake gives birth to babies. सांप बच्ची को जन्म देता है. Yes या no? तो lax आता है इसमें. तो आएगा wrong mark. इसमें आपको false mark करना है. Number 2. Hair is not seen on the bodies of animals that lax. जो एनिमल्स बच्चे को जन्म देते हैं, क्या उसके बॉडी पार्ट्स पर हेयर होते हैं कि नहीं? Hair is not seen on the bodies. Hair is not seen on the bodies of animals that lay eggs. जो बच्चे को, जैसे कि जो अंडे रखते हैं, ऐसे एनिमल्स के बॉडी पार्ट पर हेयर दिखाई देते नहीं है. तो ये राइट मार्क है. फिर पॉइंट नंबर 3, The lion is our national animal. Which is our national animal? Tiger. तो this answer is wrong. तो यहाँ पर आपको रॉन्ग मार्क करना है. पॉइंट नंबर 4, A cow's ears are on both sides of his head. Cow के ears head के दोनों side पर दिखाई देते हैं. Yes. तो इसमें true mark आएगा. Point number, birds have holes in place of ears. क्या birds को ears की जगह पर holes होते हैं? Yes या no? तो yes. तो इसमें आएगा true mark. 6 number, a crocodile lays eggs. क्या
मगरमच्छ अंडे रखता है कि क्या? तो यस, अंडे देता है वो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपने इसमें मैच द पेयर्स करना है। तो मैच द पेयर्स में देखो, सबसे पहले कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में आपको पॉइंट दिए है, कॉलम ए कॉलम बी में उसके आंसर है। लिप शेप्ड ईयर्स, विच एनिमल हैज अ लिप शेप्ड ईयर्स? कौन सा ऐसा एनिमल जिसका जिसके ईयर्स का शेप लिप जैसा होता है? तो ऑप्शन सी आएगा इसमें, रैबिट। रैबिट हैज लिप शेप्ड ईयर्स। ओके, नाउ फैन लाइक ईयर्स, विच एनिमल हैज फैन लाइक ईयर्स? एन एलिफेंट। क्या आएगा आंसर? एलिफेंट। फिर पॉइंट नंबर 3, मूव्स ऑन इट्स स्टमक, जो अपने पेट के जरिए आगे चल सकते हैं। तो ऐसा एनिमल्स कौन सा आएगा? मूव्स ऑन इट्स स्टमक, तो इसमें आएगा स्नेक, जो अपने स्टमक के जरिए आगे बढ़ता है। एंड नंबर 4, अ बर्ड, बर्ड क्या होता है? तो स्पैरो। इनमें से बर्ड कौन सा है? तो स्पैरो। ओके,